जिला मुख्यालय से लगभग 26 किलोमीटर दूर पशुओं के भगवान कहे जाने वाले कारस देव का धाम बना हुआ है। यहाँ पशुपालक अपने पशुओं की समस्या लेकर पहुँचते हैं। पुजारी आसाराम बताते हैं कि जो भी पशुपालक यहाँ अपनी पशु का दूध और दही चढ़ाता है, उसका पशु स्वतः ही बीमारियों से ठीक हो जाता है। उसके पशु को किसी प्रकार की खोर यानी देवता के द्वारा दी जाने वाली परेशानी होती है तो वह कारस देव की कृपा से ठीक हो जाती है। बता दें, यहाँ 2 दिन तक मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें पशुपालक पशुधन की सुरक्षा की मन्नतें मांगते हैं। यह मेला भाद्र मास की चतुर्थी व पंचमी 2 दिन आयोजित किया जाता है, जिसमें मुरैना के श्रद्धालुओं के अलावा अन्य जिलों एवं अन्य राज्यों से श्रद्धालु हजारों की संख्या में यहां पहुंचते हैं। मान्यता है कि कारस देव पशुओं की वंश वृद्धि को सुरक्षित रखते हैं, इसलिए ज़्यादातर पशुपालक यहां पहुंचते हैं। जिन लोगों की मन्नतें पूरी होती हैं वह दूध दही चढ़ाने के लिए साथ लाते हैं और मंदिर के भगत यानी कि पुजारी जी को चांदी का कड़ा भेंट करते हैं। यहाँ इस कारस देव पर पशुपालक केवल एक ही प्रसाद लेकर आते हैं और वह दूध से बना हुआ उत्पाद होता है। यहाँ मेले के दिन श्रद्धालु हजारों लीटर दूध और दही चढ़ाकर पशुओं की सलामती की मन्नतें मांगते हैं।